लेकिन हमें उम्मीद थी सरकार, क्योंकि पिछले दिनों जब सरकार ने हमसे मीटिंग की प्री बजट की तो हमें आश्वासन दिया था कि कोरोना के दौरान जो आपका जितने भी टैक्स हैं वो हम माफ़ करेंगे, जैसा कि हमारी जितनी भी नेबर स्टेटें हैं, चाहे उसमें पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है। मगर हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार ने हमें ये जो 6 महीने का, क्योंकि लोगों को लगता था कि हमें कोरोना के दौरान जो टैक्स थे वो हमें माफ़ करेगी सरकार, लेकिन हमें दुख हुआ जब इन्होंने 6 महीने का टैक्स जो नोटिस इन्होंने कल निकाला है। तो अभी हमारी जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर, जितने भी चाहे वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सभी ने हमने डिसीजन लिया है कि हमें ये 6 महीने का जो इन्होंने एक हमारे साथ भद्दा मजाक किया सरकार ने, आप देखिए 2020 से लेके तकरीबन अभी 2022 तक इन्होंने लखनपुर से हमारा जो आना जाना, जो टूरिस्ट जो गाड़ी हमारी है ऑल इंडिया, चाहे उसमें बसेस हैं, चाहे उसमें स्लीपर कोच हैं, अभी तक नहीं खोला इन्होंने। लेकिन ये जो 6 महीने का इन्होंने हमें टैक्स दिया है तो हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि जब हमें पिछली प्री बजट मीटिंग में हमें आश्वासन दिया था सरकार ने कि हम आपको एक मेगा पैकेज देंगे, आप देखिए 6 महीने का टैक्स हमें सरकार ने हमें वेट करते करते हमारा 3 साल का टैक्स हमें वो चढ़ गया। आप मुझे बताइए, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही सवाल पूछूंगा, क्या 3 साल का जो हमारा टैक्स है, अभी हमारे पास गाड़ी चलाने के लिए डॉक्यूमेंट भरवाने के लिए पैसे नहीं है, तो जगदम हम 3 साल का टैक्स कैसे पे करेंगे? तो ये हमारे साथ मजाक किया गया है, क्योंकि लखनपुर अभी आपने आपने देखा होगा, स्कूल कॉलेज लखनपुर बंद पड़ा हुआ है, स्कूल कॉलेज जुड़ी बस्तियां सब बंद पड़ी हुई हैं। तो हमारे पास चारा ही कोई नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है हमारे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, क्योंकि 3 साल का अभी हमने 2 बार हमने टैक्स, जो गाड़ियां हमारी जैसा इंश्योरेंस हमारी हैवी है, उसमें 1 लाख रुपए के करीब बड़ी बसेस की और छोटी की 40,000, 2 बार हमने कागज गाड़ियों के भरवाए हैं, लेकिन उसके बदले में सरकार हमें, आप मुझे बताइए, अगर हमारे पास टैक्स 1 लाख रुपए से ऊपर हम सरकार को दे रहे हैं, अगर 2,000 रुपये हमें माफ करेंगे, मुझे बताइए ये मजाक नहीं है हमारे साथ? तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार हमारा इम्तिहान मत ले, क्योंकि हम कहीं किसानों की तरह आंदोलन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अभी भी सरकार को 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, और इसी हफ्ते में हमें सरकार हमारे साथ बैठे और हमारे साथ बात करे, क्योंकि अगर हफ्ते के बाद अगर हमारे बारे में कोई सोच विचार सरकार ने नहीं किया, कोई निर्णय नहीं लिया, क्योंकि जो ऑर्डर इन्होंने 6 महीने का निकाला है उसमें अमेंडमेंट करे सरकार। और मैं अपील करूंगा ट्रांसपोर्टरों की तरफ से, गवर्नर साहब से, कि आप इंटरव्यूज करें इसमें, और ताकि ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट है इसको बचाया जा सके। सरकार अनदेखी करती है अगर पॉइंट को, तो आप नेक्स्ट कदम क्या उठाएंगे? देखिए, आपको मैं अभी भी आपके माध्यम से अपील करूंगा सरकार के, हमने 1 हफ्ते का टाइम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों ने हमने मिलके ये फैसला लिया है कि अगर सरकार 1 हफ्ते में हमारे साथ या इस ऑर्डर में कोई अमेंडमेंट नहीं करती तो हम आंदोलन पे आएंगे, और अब की बार का जो आंदोलन होगा वो किसानों की तरह होगा। हम अपने, क्योंकि हम मैंने जैसा कहा कि हमारे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, तो हम रोड़ों पे आएंगे और अपने बीवी बच्चे लेके, पूरी जितनी ट्रांसपोर्ट है, मैं आपके माध्यम से ट्रांसपोर्टरों से भी अपील करूंगा कि निकलिए घर से बाहर, क्योंकि ये जो सरकार है ये हमारी, जैसा हमने बार बार पिछले 1.5-2 साल से आपने देखा होगा, हमने बार बार सरकार से अपील की है कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों का इतना लॉसेस है, उसमें बैंक की इंस्टॉलमेंट थी, उसमें हम पे बोझ जो बढ़ता गया, महंगाई आप देखिए आसमान पर है, लेकिन ये जो मजाक सरकार ने किया है 6 महीने का टैक्स, क्या ये जायज है? अब मैं आप मीडिया से ही सवाल करूंगा, इन्होंने हमारे साथ ये जो मजाक किया है, हमें नहीं चाहिए ये 6 महीने का, अगर 1 लाख से 1.5 लाख हम साल का टैक्स पे करते हैं सरकार को, और 2 बार हमने दिया, क्योंकि बीच में आपने देखा फर्स्ट टाइम हमने कागज रिन्यू करवाए, उसके बाद फिर लॉकडाउन, और आज भी स्थिति जस की तस ही है, क्योंकि हमने जो सफर किया है
जैसा अभी मेरी मीटिंग हमारी कश्मीर वालों के साथ हुई, कश्मीर ने, क्योंकि कश्मीर जब ये 370 टूटा था तब से लेके जब ये बुरहान वानी की डेथ हुई थी आतंकवादी की, आज तक कश्मीर और जम्मू का हमारा जो लिंकेड होता है, जैसा गाड़ी चलती है तो आना जाना रहता है, उसी पे हमारा दारोमदार रहता है। तो मैं अपील करूंगा गवर्नर साहब से कि हमारे जो ये जो हमारा टैक्स है, जेन्युइन डिमांड्स है हमारी, क्योंकि गाड़ी हमारी खड़ी रही उसमें हमारे, देखिए मेरे पास अगर गाड़ी चलाने के लिए है ही नहीं कुछ भी, बैंक उस पर चढ़ा हुआ है, तो हमने कोई ज्यादा खजाना नहीं मांगा सरकार से। ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड है, जैसा बाकी स्टेटों ने किया, पंजाब ने आप देखिए, पंजाब ने एक साल के सारे टैक्स किए, उसके बाद दिल्ली ने आप देखिए, हमारे ड्राइवर और कंडक्टर इसमें पिसा, उन्होंने 5,000 दो बार केजरीवाल सरकार ने दिया, और हम मांग करते रहे, हमारे लोग इसमें मरे इस कोरोना में, क्योंकि भूख कोरोना से कम मरे और भूख से लोग ज्यादा। तो मैं यही अपील करूंगा गवर्नर साहब से, आप उठिए और नींद से जागिए, कम से कम इतना बड़ा ट्रेड है, 75,000 कमर्शियल व्हीकल्स है, हमने बोर्ड किया है इस सरकार को, और अगर ये हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम आंदोलन पे आएंगे, हम बाइकॉट करेंगे, चाहे आने वाली सरकार हो चाहे मौजूदा जुटी सरकार हो। तो मैं फिर यही अपील करूंगा अपने कश्मीर के ट्रांसपोर्टर और लद्दाख और जम्मू से, जम्मू के जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, आप हमारे साथ बैठिए, कोई नेगोशिएशन, जो जेन्युइन हमारी जो कोरोना का जो हमारा टैक्स है वो कम से कम हमें माफ चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।